मुल्क भारत के अंदर दिवाली की खुशियां ज़ोरों खोश के साथ मनाई जा रही है। हमारा अपना शहर मालेगांव शहर भी, जो एक कौमी यकजहती का शहर कहलाता है, इस शहर के अंदर भी हमारे अपने मालेगांव शहर के जो मौसम पुल का इलाका है, ज्योतिबा फूले का इलाका है, वहाँ पर दिवाली के बाज़ारों की खूब रौनक आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही है। दो वर्ष दो साल कोरोना काल के इस तरह गुजरे जहाँ पर हर त्योहारों को हमने छोड़ते हुए अपनी खुशियों को दबाते हुए हुकूमत महाराष्ट्र और हुकूमत हिंद के साथ ताउन करते हुए हर त्योहार को कुर्बान किया। लेकिन अब जहां कोरोना महामारी ख़त्म हो रही है, तो वहीं बाज़ारों में त्योहारों की रौनक बढ़ रही है, जिसका मंजर दीपावली के पहले त्यौहार से कोरोना काल के बाद के पहले इस त्यौहार पर दीपावली में आप देख सकते हैं कि बाज़ारों का मंजर किस तरह रौनकदार है। हर शख्स के चेहरे पर खुशियों का एक माहौल है। नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट गिरीश बोरसे, मैं महागठबंधन आघाड़ी मालेगांव मध्य के आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब इनके तरफ से कोऑप में कॉरपोरेटर हूँ। दीपावली की मालेगांव शहर के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दो साल से आप सब देख रहे हैं कि हमने बहुत सारी कोरोना की वजह से हमारे बहुत से त्योहारों को, हमारी खुशियों को दबाया है, लेकिन आज के अभी की ये जो दिवाली और ईद हमने जो मनाई वो बहुत बड़ी खुशी से मनाई, और सब लोगों में, व्यापारी में, कामगार वर्ग में, सबको ये टाइम बहुत अच्छी तरह की से दीपावली और ईद मनाने की खुशी हमने देखी, और यही सब लोगों की जो खुशी है ये बरकरार रहे, ये मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ और सबको दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।